सबसे पहली चीज ये समझो, इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज नहीं है इंपॉर्टेंट, तो इसमें एसी का कोई रिजल्ट नहीं लगेगा, ना इंपीडेंस लगेगी, ना एसी लगेगा, ना फेज लगेगा, कुछ ना लगेगा। यहां पर क्या लगी हुई है, एक बैटरी और एक स्विच लगा हुआ है। ऊपर क्या लगा हुआ है, इंडक्टर, नीचे क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। दोनों के आगे रेजिस्टेंस लगी हुई है। मैंने बैटरी को स्विच ऑन कर दिया, चलो स्विच ऑन किया, करंट बैटरी में से इंक्रीज करेगा अपनी वैल्यू को, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंक्रीज करेगा। जब तक वो करंट मैक्सिमम नहीं हो जाता, क्योंकि एक बार जब करंट मैक्सिमम हो गया तो क्या होगा, कैपेसिटर कहेगा मैक्सिमम करंट को मैं अपने अंदर से पास होने नहीं दूंगा, स्टेडी करंट है, रोक देगा, ये तो ब्लॉक कर देगा। और इंडक्टर कहेगा मेरे को लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक्सएल जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्टेडी करंट पे मेरा झगड़ा ही नहीं है, सारा करंट यहां से पास हो जाएगा। लेकिन जब जैसी ऑन करोगे बैटरी, तो धीरे धीरे करंट इंडक्टर में बढ़ेगा, जब तक स्टेडी करंट नहीं हो जाता, मैक्सिमम नहीं हो जाता, और कैपेसिटर की भी धीरे धीरे चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब तक वो मैक्सिमम चार्ज नहीं हो जाता। तो क्वेश्चन आएगा कि जब आप ऑन करेंगे तो इंडक्टर में कितना करंट होगा किसी भी इंस्टेंट पर, यह फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाया था, याद है, ग्रोथ ऑफ करंट। तो ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर का फॉर्मूला हमने किया था, तो ग्रोथ ऑफ करंट से I इज इक्वल टू आई नॉट 1 - e की पावर - R/L × t, इतना इंस्टेंटेनियस करंट होगा इंडक्टर में। इंडक्टर का करंट तो मैंने आपको लिखवा दिया था, पर मैंने आपको कभी कैपेसिटर का करंट नहीं लिखवाया। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा टॉपिक था स्विच ऑन ऑफ वाला, जिसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर था। तो जब आप स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर में चार्ज बढ़ेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये फॉर्मूला लिखवाया था, क्यू चार्ज क्या होगा, क्यू नॉट 1 - e की पावर - t/RC। तो कैपेसिटर में चार्ज ऐसे बढ़ता है, पर मैंने आपको कैपेसिटर का चार्ज नहीं पूछा, मैंने आपको कैपेसिटर का करंट पूछा। तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म करें, इसकी डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगी, इसकी डिफ्रेंशिएशन करके सीधा फॉर्मूला नोट करें, ये आंसर आएगा। कैपेसिटर के अंदर ग्रोथ ऑफ करंट का ये फॉर्मूला नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर में, I = I0 e^(-t/RC, वेयर I0 साथ में लिख लें Q0/RC। इस डेरिवेशन से I0 क्या आता है, Q0/RC, ये लिख लें। तो आज के बाद ये सीधा शॉर्टकट बन गया कि अगर ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर आया तो ये फॉर्मूला, और अगर ग्रोथ ऑफ करंट इन कैपेसिटर आया तो ये फॉर्मूला। ये शॉर्टकट आपकी PYQ सीधा मारेंगे, फिर आप देखते रहोगे कि ये कहां से आया। अब समझ में आया कहां से आया, चार्ज से आया, ये बहुत यूज होता है फॉर्मूला। और ये I0 का मतलब Q0/RC।